नमस्ते बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है बाहू साहेब बांदोड़कर। उनका पूरा नाम था दयानंद बालकृष्ण बांदोड़कर। आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल सकते हैं, तो शुरू करेंगे। बाहू साहेब बांदोड़कर, क्या आप जानते हैं कि 12 मार्च को हम विद्यार्थी दिन क्यों मनाते हैं? इसी दिन गोवा के पहले मुख्यमंत्री श्री बाहू साहेब का जन्म हुआ था। वे विद्यार्थियों से बहुत प्यार करते थे। विद्यार्थियों के लिए उन्होंने बहुत से काम किए, इसलिए हम उनके जन्मदिन को विद्यार्थी दिन के रूप में मनाते हैं। जो पहला गद्य खंड दिया है उसमें लिखा गया है कि 12 मार्च को हम विद्यार्थी दिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन दयानंद बालकृष्ण बांदोड़कर, जो गोवा के पहले मुख्यमंत्री बने, उनका जन्म हुआ था। वे विद्यार्थियों से बहुत प्रेम करते थे और विद्यार्थियों के लिए यानी स्कूल के बच्चों के लिए उन्होंने बहुत से काम किए थे, इसलिए हम उनके जन्मदिन को विद्यार्थी दिन के रूप में मनाते हैं। दूसरा गद्य खंड है, बाहू साहेब का पूरा नाम था दयानंद बालकृष्ण बांदोड़कर। वे गोवा की जनता से बहुत प्यार करते थे। वे बड़े सीधे साधे और दयालु थे। गोवा के लोग उन्हें प्यार से भाऊ कहते थे। वे सचमुच सबके भाऊ यानी सबके बड़े भाई थे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। बाहू साहेब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके मन में शिक्षा के प्रति बड़ा प्रेम था। गोवा की मुक्ति के बाद उन्होंने गांव-गांव में विद्यालय खोले। बाहू साहेब एक अच्छे खिलाड़ी थे। वे क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे। उन्होंने कई खिलाड़ियों की सहायता की। वे सचमुच बड़े दानी थे। ज़रूरतमंदों को वो हमेशा दान देते थे। तो इसमें बताया गया है कि बाहू साहेब का जो पूरा नाम था वह दयानंद बालकृष्ण बांदोड़कर, और उनका लोकप्रिय नाम बाहू साहेब बांदोड़कर था। वे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी से थे, यानी MGP पार्टी से थे। उनको सभी गोवा के लोग प्यार से भाऊ कहते थे। भाऊ यानी आपको मालूम होगा, भाऊ यानी बड़े भाई। वे गोवा की जनता से बहुत प्यार करते थे। वे ज़्यादा लिखे और पढ़े भी नहीं थे, लेकिन उनके मन में शिक्षा के प्रति बड़ा प्रेम था। और जब वह गोवा के पहले मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने गांव-गांव में विद्यालय यानी स्कूल खोले। और खेल में उनमें रुचि थी, उनको पसंद था खेलना क्रिकेट और फुटबॉल। उन्होंने कई खिलाड़ियों को हमेशा मदद की। उन्होंने हमेशा मदद की। जो खिलाड़ी थे, जो प्लेयर्स थे, उन्होंने खिलाड़ियों को हमेशा मदद की। वे सचमुच बड़े दानी थे। ज़रूरतमंदों को हमेशा दान देते थे। और अंतिम गद्य खंड है, बाहू साहेब बड़े कला प्रेमी थे। अपने देश के प्रति उनके मन में गहरा प्रेम था। गोवा मुक्ति में उनका बड़ा योगदान रहा है। योगदान जो हम बोलते हैं यानी सहायता, उनकी सहायता थी। गोवा मुक्ति में उन्होंने भाग लिया था। वे साहसी थे यानी हिम्मत वाले थे, हिम्मती थे। आदर यानी सम्मान।